और हम लोग खुद को गुजराती मूल के बिहारी कहते हैं। बिहार में ही हम लोगों का मन लग सकता है। हम लोग आज नए साल का प्रोग्राम कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने कल्चरल प्रोग्राम्स किए हैं, तो बस यही गरबा, और बहुत अच्छा लगा कि जज साहब आए थे यहाँ पे। बिहार में ऐसा इस तरह का कल्चरल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाएगा, किस कैसा माहौल लगा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। गुजरात भी नहीं, गुजराती आ जाएगी जी, बोला जाता है हमारे यहाँ जय जय गरवी गुजरात, वो हम लोगों ने आज देखा यहाँ पे। वो बिहार में देखा, वो बिहार में देखा हमने। जय जय गरवी बिहार, जय जय गरवी गुजरात, जो बोल दीजिए आप, गुजरात इन बिहार। निकिता मेहता। हम भरत मेहता, श्री गुजराती समाज के सेक्रेटरी। हम लोग का ये उद्देश्य है कि सांस्कृतिक प्रोग्राम करवाने से जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसको भी वो सांस्कृतिक प्रोग्राम का आभास हो और कल्चर बढ़े, और पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, पूरे दुनिया में गुजराती सांस्कृतिक प्रोग्राम का बहुत धूम मचा रहता है, चाहे डांडिया हो, गरबा हो। और ये हम लोग आज समझिए कि 5 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी हमारे अध्यक्ष महोदय श्री रमेश भाई का। अच्छा, लगभग कितनी संख्या में पटना में गुजराती संख्या अभी से दिख रहा है कि इतना कितनी की आबादी होगी? यहाँ लगभग 500 लोग हैं सिर्फ पटना में। पटना में, और हम लोग खुद को गुजराती मूल के बिहारी कहते हैं। मतलब कि जुड़ाव बहुत ज़्यादा है बिहार से? बिहार से जुड़ाव ज़्यादा ही नहीं, बिहार में ही हम लोगों का मन लग सकता है, इसलिए कि यहाँ हमारा जन्म है, कर्म है, यहाँ शिक्षा है, सब कुछ हमारा यही हुआ है। लेकिन फिर भी हमारी जो मूल से एक संस्कृति है हमारे पूर्वजों की, उनको भी हम अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, बिहार के साथ। जी, गरबा और के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही फेमस है गुजरात के लिए, और फेमस मोदी जी भी है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मोदी जी फेमस है राजनीतिक कारणों से, और इस पर हम लोग कोई राजनीतिक ऐसा मंच नहीं है जहाँ से उनके बारे में कुछ कह सकें। हम लोग गुजरात की संस्कृति के बारे में कह सकते हैं, और गरबा केवल बिहारियों के बीच में ही नहीं, गुजरातियों के बीच में ही नहीं, अब एक राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाया जाता है। तो अब ये गुजरात का लोकल गरबा नृत्य नहीं रहा, अब ये एक राष्ट्रीय नृत्य है, और हम लोग उसी दृष्टि से इसे देखते हैं। इस पर कोई अपना अपन नहीं मानते हैं, हम ये मानते हैं कि हम एक राष्ट्र के हैं, और हम सभी लोग एक राष्ट्र के लोग इस गरबा को, डांडिया को एंजॉय करते हैं। मैं रमेश कामदार, प्रेसिडेंट गुजराती समाज। ये हमारे पूरे समाज का है, और हमारा पटना गुजराती समाज हमारा रजिस्टर्ड संस्था है, ये 1975 का हमारा रजिस्टर्ड संस्था है, और मतलब हम लोग की काफ़ी चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी हम लोग की, मतलब यहाँ पे लोग शुरू से यहाँ पे बसे हुए हैं लोग, जो अब हम लोग क्या है ना, मतलब पटना बिहार में हम लोग बिहारी है, जैसे रमेश भाई अध्यक्ष साहब ने बताया, हम लोग बिहारी ही हो गए हैं, मतलब जो, लेकिन हमने गुजरात का कल्चर हम लोग जो है, और ये प्रोग्राम साल में हम लोग एक बार जरूर करते हैं, ताकि जितने भी गुजराती है वो एक जगह एकत्रित हो सके, और हम लोग के कल्चर को लोग समझ सके, बिहार का कल्चर को समझ रहे हैं, प्लस अपना कल्चर को भूले नहीं। अच्छा, इसको बढ़ावा देने के लिए और क्या आगे करेंगे आप? हम लोग बढ़ाते हैं, हम लोग का ऐसा है, हम लोग की इच्छा है कि पटना में एक, जैसे हर जगह, हर स्टेट में गुजरात भवन होता है, तो हमारी इच्छा है कि पटना में इस तरह का कोई परिसर हम लोग को बने, कि जिससे सारे कोई प्रोग्राम्स हो, गुजराती लोग एक जगह एकत्रित हो सके। अभी हम लोग क्या, सभी जगह से हम लोग को लेना पड़ता है, हायर करना पड़ता है किराए पे, अपना जगह होगा तो बहुत से लोग गुजराती ऐसे भी, देखिए गुजराती और मारवाड़ी क्या होते हैं, पूरे बाहर से फैले हुए हैं, तो बाहर से लोग व्यापारी आए हुए हैं, तो उनके रहने के लिए क्या वो चाहते हैं, हमारे पास कुछ ऐसा रहे जो एक घर जैसा वातावरण मिले, तो हम लोग ऐसी इच्छा है कि यहाँ पे बिहार में एक गुजरात भवन टाइप का बने, और सब लोग जितने बाहर से लोग आए उसमें, इसमें अपना रह सके लोग। मेरा नाम पंकज कोठारे हुआ, हम पटना गुजराती समाज के सेक्रेटरी हुए।